दोस्तों सभी को राम राम। युविका मशरूम पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसके अंदर हम सारे जितने भी डिजीज हैं मशरूम के अंदर जो जो आ रहे हैं उन सबको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइट प्लास्टर मोल्ड है। दोस्तों हमने जो है इससे पहले भी दो तीन बीमारियों का जो है जिक्र किया हुआ है, उनके लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में क्लिक करके भी आप जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। दोस्तों जो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है वाइट प्लास्टर होता क्या है, दोस्तों जो हमारा कंपोस्ट है बैगों के अंदर या तो उसमें या हमारा जो केसिंग सॉइल है उसके ऊपर सफेद पैचेज बन जाते हैं जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे ऊपर। इनका मेन कारण होता है दोस्तों कि या तो आपके कंपोस्ट का पीएच सही नहीं होना, आपका पीएच अगर ग्रेटर देन 8 है मतलब 8 से अगर ज्यादा है तो वाइट प्लास्टर मोल्ड की समस्या आने की पूरी पूरी उम्मीद है, या फिर आपके कंपोस्ट के अंदर अमोनिया का जो है ज्यादा होना है। अगर आपके कंपोस्ट में अमोनिया ज्यादा रहेगी तो भी इस तरह की समस्या आ जाएगी। अगर मॉइस्चर का कम ज्यादा होना है तो भी ये समस्या जो है आती है। दोस्तों इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो या कभी कभी कंप्लीट फेलियर ऑफ क्रॉप हो जाता है मतलब पूरी फसल का नुकसान हो जाता है। कई बार वाइट मोल्ड के साथ साथ जो है हमारा मैट फॉर्मेशन भी हो जाता है केसिंग मिट्टी के ऊपर। मैट फॉर्मेशन मतलब जब ये मोल्ड केसिंग सॉइल के अंदर पहुंच जाता है तो उस टाइम पर ऊपर की परत सूख जाती है जिससे उसके अंदर पिनिंग वगैरह जनरेट नहीं हो पाती। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना है, जितने भी हमारे किसान दोस्त हैं, सबसे पहले तो अपने कंपोस्ट के अंदर जो है पीएच को मेंटेन करने के लिए जिप्सम का सही इस्तेमाल करना है और सही क्वालिटी की जिप्सम आपको लेनी है। सेम अगर हम अमोनिया की बात करें तो आपको अमोनिया का पूरी तरह ध्यान रखना है कि अमोनिया जो आपका कंपोस्ट ग्रोइंग रूम में चला गया है उससे पहले आपको अमोनिया की वैल्यू जो है 10 ppm से कम ही रखनी है शेड के अंदर। अगर 10 ppm से ज्यादा है तो आपको उसके अंदर एक दो टर्निंग और ऐड करनी पड़ेंगी। सेम है दोस्तों मॉइस्चर, मॉइस्चर का हमारा है कि आपके स्पॉनिंग के टाइम पे जो के जो आपका कंपोस्ट है उसके अंदर 65 से 70% तक मॉइस्चर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो अमोनिया भी ज्यादा बनेगी उसके अंदर। दोस्तों सबसे लास्ट है कि अब आपको इसको कवर किस तरह से करना है। अगर ये लग गया है तो आपको कवर करने के लिए उसके अंदर 0.1% बावस्टीन, अगर बावस्टीन अवेलेबल नहीं है तो आप बेनोमाइल का यूज कर सकते हैं, 0.1% बावस्टीन या कोई भी फंगिसाइड जो आपके पास अवेलेबल हो, क्लोरोथेनोलिन हो कोई भी हो आपको उसका इस्तेमाल करना है, और 2% फॉर्मेलिन का आपको एक मिक्सचर तैयार करना है और ये जितने भी इन्फेक्टेड एरियाज हैं उन सब पे लगाना है जिससे कि आपका जो वाइट मोल्ड प्लास्टर है उससे आपको छुटकारा मिल सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में आगे ऐसी अन्य जानकारियों को पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।